नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के मामले की विवेचना अब एटीएस को किया गया सुपुर्द। आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए बुधवार को गोरखपुर से लाया गया एटीएस मुख्यालय लखनऊ। देश के कई जगहों पर एटीएस लगातार कर रही है छापेमारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। बांसगांव थाना क्षेत्र में चार दिन से लापता बच्चे का झाड़ियों में मिला शव। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम को। कहा, घटना के खुलासे के लिए एसपी साउथ के नेतृत्व में बनाई गई हैं तीन टीमें। जल्द होगा घटना का खुलासा। एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महानगर के चौराहों का जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा सौंदर्यकरण। ट्रैफिक के संचालन को बनाया जाएगा सुदृढ़। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर के सभी पार्कों का जीडीए के द्वारा किया जा रहा है सुंदरीकरण। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, पार्क को साफ और सुंदर बनाने से पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। गोरखपुर में 15 अप्रैल के बाद किसान भूसा बनाने वाली मशीन का कर सकते हैं उपयोग। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। बुधवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड तिराहे तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, प्रतिदिन एक मजिस्ट्रेट किया गया है नामित जो करेगा इस अतिक्रमण अभियान को लीड। वासंतिक चैत्र नवरात्र के पांचवें दिन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता स्कंद देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती। तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण कर शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीडीए के द्वारा रामगढ़ताल में बनाया जाएगा हैंगिंग रेस्टोरेंट तथा रोपवे। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ राजघाट पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 4 किलो नौसादर, 1 किलोग्राम यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट को महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, खेलो इंडिया अभियान से जुड़कर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तैयार होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी। अब खबरें विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए बुधवार को गोरखपुर से एटीएस मुख्यालय लखनऊ लाया गया। पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी मुर्तजा अब्बासी की अब एटीएस मुख्यालय में पूछताछ होगी। सभी पहलुओं पर जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग लेकर पूछताछ हो रही है। देश के कई जगहों पर एटीएस की कार्यवाही जारी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अनुसार मुर्तजा अब्बासी मामले की विवेचना अब एटीएस को दे दी गई है और पूरे मामले की विवेचना अब एटीएस करेगी। इसी के मद्देनजर बुधवार को आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ स्थित एटीएस के मुख्यालय पर लाकर मुर्तजा से पूछताछ की जा रही है और उसके बयानों की तस्दीक के लिए देश के कई जगहों पर एटीएस लगातार छापेमारी कर क्रॉस चेक कर रही है।
बांसगांव थाना क्षेत्र के बहरवा गांव में 4 दिन से लापता बच्चे का झाड़ियों में शव मिला। आपको बता दें कि बांसगांव थाना क्षेत्र के लक्ष्य उर्फ गोलू राजभर पुत्र रुद्र राजभर निवासी बहरवा 2 अप्रैल को घर से बाहर खेलते हुए कहीं गायब हो गया था, जिसके परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई लेकिन लक्ष्य नहीं मिला। तब परिजनों ने बांसगांव थाने में लक्ष्य के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया, जिसको देखते हुए बांसगांव पुलिस बच्चे को खोजने की जांच में जुट गई। वहीं बुधवार को बच्चे का झाड़ियों में शव मिला, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका हाथ बांधा गया था और मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। बुधवार को गांव की महिलाओं ने बच्चे का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि 4 दिन पहले बांसगांव थाना क्षेत्र में एक बच्चा गुम हो गया था, जिसका मुकदमा थाने में पंजीकृत हुआ था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। वहीं बुधवार को बच्चे का शव तालाब के पास एक खेत में मिला। इस संबंध में जब परिजनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने किसी से दुश्मनी न होने की बात कही। इस घटना का खुलासा के लिए SP साउथ के नेतृत्व में 3 टीम बनाई गई, जो कि अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस मौके पर SP साउथ अरुण कुमार सिंह, ASP CO बांसगांव राहुल भाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, अरे यहाँ से खाली करो, ये सब चेक होगा, हट जाओ। अरे थोड़ा थोड़ा हटाते रहो, पीछे हट जाओगे, पीछे हट जाओ, कार्रवाई करने दो। कितने वोट है गांव में? कितना होगा? 1200 वोट होंगे। थाना बांस गांव में 3 दिन पूर्व एक 6 वर्षीय बालक गुम हो गया था घर से, जिस पर कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और तलाश करवाई। पिछले 3 दिनों से पुलिस, गांव के सभी लोग और परिवारजन बच्चे की तलाश कर रहे थे,
इसी क्रम में आज सुबह बच्चे का शव गांव के पास ही एक खेत में तालाब के पास मिला, जिस पर मौके पर सभी आला अधिकारी पहुँचे हैं। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी आई है। जो शव है उसको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और इसमें तीन टीमें गठित की गई हैं SP साउथ के नेतृत्व में, जो कि इसके अनावरण में लगी है और शीघ्र ही इसमें आगे कार्रवाई की जाए। अभी परिजनों द्वारा किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी गई है, ना कोई शंका जाहिर की गई है। पुलिस ने सभी विकल्प खुले रखे हैं और सभी संभावनाओं को देखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। ADG अखिल कुमार, DIG जे रविंद्र गौड़ व SSP डॉक्टर रुपेंद्र थाडा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि रविवार को एक सिरफिरे द्वारा मंदिर गेट पर लगे PSC के दो जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर वो मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, जिस पर नागरिकों की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी छानबीन STF व ATS की संयुक्त टीम कर रही है और जांच में आरोपी के पास से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसको देखते हुए DIG जे रविंद्र गौड़ व SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर बने चेक पोस्ट व मंदिर चौकी सहित मंदिर में सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर SPCT सोनम कुमार, CO मंदिर सुरक्षा अंजनी कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीमेंट वाले तो लगे नहीं है, रोड से जिला प्रशासन के द्वारा महानगर के चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि यातायात को सुगम व्यवस्था बनाने के लिए शासन का निर्देश आया था, जिसको देखते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की गई है और इसमें नागरिकों व अधिकारियों के साथ सुझाव लेते हुए एक कार्य योजना बनाई गई है कि महानगर के सभी सड़क व चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाए, जिसके तहत 5 जंक्शन को लिया गया है, जिसकी स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया था, उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा GDO के द्वारा चौराहों का सुंदरीकरण किया जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक बाधित ना हो, उसमें ट्रैफिक बूथ, CCTV कैमरा, ई चलानी सहित अन्य व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक संचालन में किसी तरह की बाधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे यातायात सुगम व्यवस्था बनाने के लिए शासन से निर्देश था और उसी अंतर्गत हमने मोबिलिटी प्लान में अनेकों बैठक लिए अंतर्विभागीय समन्वय से, सभी का सुझाव लेते हुए सभी जनमानस से भी और सभी स्टेक होल्डर से बैठक करते हुए एक कार्ययोजना बनाई है। उसमें एक प्रमुख स्ट्रैटेजी, प्रमुख घटक जो है कि हम स्मार्ट रोड्स और स्मार्ट जंक्शंस का इम्प्रूवमेंट कराएं और उसके तहत प्रथम चरण में 5 जंक्शंस को लिया गया है, जिसको शासन से योजना भेजी गई थी और उसमें अभी स्वीकृति प्राप्त हो रही है और उसमें प्राधिकरण के माध्यम से अच्छी तरह जंक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा। ट्रैफिक डेंसिटी का अध्ययन करके ये कंसल्टेंट के माध्यम से किया गया है, जिसमें आइलैंड्स रहेंगे, ट्रैफिक बूथ्स रहेंगे, उसमें CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग रहेगी, ई चलानिंग होगी, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले होगा, वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे प्रॉपर चैनल्स रहेंगे, बे एरियाज रहेंगे, इस विभिन्न तरह के हस्तक्षेप वहाँ करते हुए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए स्मार्ट जंक्शंस और स्मार्ट रोड्स बनाए जाएंगे। उसमें पेडेस्ट्रियन पाथवे से लेके ग्रीन बेल्ट से लेके अन्य चीज़ें भी विकसित की जाएंगी, ताकि आकर्षक भी लगे, एक सुगम व्यवस्था रहे और स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक रहे हमारे मोबिलिटी प्लान के अनुसार। GDA के द्वारा जिले के सभी पार्कों का सुंदरीकरण करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर के सभी पार्कों का 6 महीनों से सुंदरीकरण करवाया जा रहा है, जिसमें अंबेडकर पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क सहित अन्य पार्कों में काम चल रहा है और कुछ पार्कों में काम शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि लोग स्वच्छ वातावरण में आकर सुबह पार्कों में टहले और वहां पर लोगों को एक अच्छा माहौल मिले, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके। उन्होंने कहा, सभी पार्कों का सुंदरीकरण होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लोग गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, चिड़ियाघर के साथ पार्कों में भी घूम रहे हैं और हमारा प्रयास है कि पर्यटक को भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा,
जो गोरखपुर जनपद में जितने भी पार्क हैं उसका सभी का सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोगों ने पिछले 6 महीने से प्रारंभ कर रखा है। उसमें से कई पार्क हैं, जैसे अम्बेडकर पार्क है, दिग्विजयनाथ पार्क है, मुंशी प्रेमचंद पार्क है, कई पार्कों में ऑलरेडी काम चल रहा है और कई पार्कों में और हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। शहर के जितने भी पार्क हैं हम लोग का प्रयास है कि वहाँ पर लोग सुबह आएँ, वहाँ पर टहलें और वहाँ पर एक अच्छा माहौल हो, सुंदरता, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। सर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं, देखिए पर्यटन का बढ़ावा सुविधाओं से होता है। जो पर्यटक को जो सुविधा चाहिए वो यहाँ पे अगर उपलब्ध रहेगी तो उससे बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर कोई पर्यटक गोरखपुर जनपद से बाहर से आता है तो यहाँ पे सफिशिएंट होटल्स होने चाहिए। आपने देखा यहाँ रेडिसन होटल है, मैरियट होटल बन रहा है, ताज होटल, हॉलीडे इन होटल, कई होटल का यहाँ पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा सेकंड लेवल पे भी जो होटल्स होते हैं 2 स्टार 3 स्टार उनका भी काम चल रहा है। तो होटल की सुविधा, आने जाने की सुविधा, आपने देखा होगा कि गोरखपुर एयरपोर्ट से 15 जगह की फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट हमारा नया आ गया है तो एयरपोर्ट की सुविधा भी हो गई है, होटल्स की सुविधा भी हो गई है, शहर भी बहुत सुंदर दिखने लगा है, बोटिंग की सुविधा है, तमाम यहाँ पे हमारे रिलीजियस टूरिज्म के लिए हमारा गोरखनाथ मंदिर है जहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पे गीता प्रेस है जहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटकों को सुविधा दिया जाए, उनको यहाँ पे आके अच्छा अनुभव हो ताकि वहाँ रुके, यहाँ पे उससे रोज़गार भी उत्पन्न होगा। तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। जनपद में किसान भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रिपर का उपयोग 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पिछले साल 200 से ज्यादा घटनाएं आगजनी की हुई थी, जिसको देखते हुए भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रिपर पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई थी, क्योंकि भूसा बनाने से स्ट्रिपर मशीन से चिंगारी निकलती है जिससे खेतों में आग लग जाती है। लेकिन रोक लगने के बाद किसानों का सुझाव लिया गया और वार्ता हुई तो भूसा बनाने वाली मशीन के उपयोग के समय को 30 अप्रैल से घटाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया। अब किसान 15 अप्रैल के बाद भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रिपर का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा, किसानों से अपील है कि वह भूसा बनाने वाली मशीन का सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे जिससे किसी तरह की आगजनी की घटना ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, तो जो पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जहां 200 से ज़्यादा घटनाएं हैं आगजनी की हुई थी पिछले सालों में, तो इसी का अनुभव लेते हुए हम लोगों ने जो रिपेयर मशीन जो जिसके आधार पर काफ़ी आगजनी की घटनाएं होती हैं उसको प्रतिबंधित किया था इस सीज़न के लिए 30 तारीख तक। बाकी किसानों से लगातार वार्ता चल रही थी, उनके सुझाव भी प्राप्त हुए थे, उनके सुझावों को अंगीकृत करते हुए 15 तारीख तक के वो प्रतिबंध को रिलैक्स किया गया है और उसके पश्चात वो किसान अब वो मशीन यूज़ कर पाएंगे और भूसा उपलब्ध हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि जनहानि और फसल के नुकसान की घटनाओं को मिनिमाइज़ किया जाए और साथ ही साथ किसानों को भी भूसे के लिए उपलब्धता में कोई समस्या ना हो, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड तिराहे तक सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा खाली करवाया गया तथा चालान भी किया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल के पूरे माह प्रतिदिन नगर क्षेत्र में चौराहे चिन्हित किया गया है, यहाँ पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया गया है। उसी के आह्वान पर कई विभागों द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई है तथा प्रतिदिन एक मजिस्ट्रेट नामित किया गया है जो इस अतिक्रमण अभियान को लीड करेगा। इसी संबंध में बुधवार को यातायात तिराहे से रोडवेज बस स्टैंड चौराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को यहां से हटाया जा रहा है उनके लिए स्थान चिन्हित किया गया है, वहां जाकर अपना कारोबार करने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है और पूरा प्रयास रहेगा कि जो प्रमुख मार्ग है वह पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रहे, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सही ढंग से चल सके। इस अवसर पर SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, नगर निगम प्रवर्तन दल प्रभारी CP सिंह, CO कैंट श्याम देव बिंद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, अतिक्रमण न करें, नहीं तो अन्यथा आपके समान जब्त की जाएगी, साथ ही जुर्माना होगा। पी के माध्यम से यह अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। ये जो भी लोग ये नाले के ऊपर भी आप लोग जो लगा रखते हैं,
देखने वाले तो आते हैं, देखने वाले तो आते हैं, आ रही है, आ रही है,
पहले वो अपने साथ भी पूरा सिस्टम बनाया और इसके बाद करो तो उसमें आ गया कि वो चलान भी बारे आपने आपने जैसे मुझे मैसेज किया मैंने सब बता दिया शाम को मैंने हाँ चलान भी अब आई तो यहाँ जो चलान डंपर वाला मैंने बोला था डंपर वो और चार आदमी मैंने अपन था वो कल शाम को बता ये पंखों को भी हटाइए आप लोग अरे हटाओ के ले लो आप लोग बाहर निकल जाओ चलो निकल जाओ एक फोटो भी ले लो चलो सरकार से निकल जाओ अरे कलर साहब कह रहा फोटो ले लो सब ले रहे हैं साहब चलो घर से दूर अंदर से कनेक्शन दिया है आप निकाल लो उसका बिजली वाला अप्रैल में प्रत्येक दिन यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र में जो नगर क्षेत्र है वहाँ पे चौराहे चिन्हित किए गए हैं और प्रमुख मार्ग चिन्हित किए गए जहाँ पे पूर्व में अतिक्रमण हुए थे तो उसी के लिए प्रशासन की पुलिस की ट्रैफिक की नगर निगम और जो भी और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक टीम संयुक्त टीम बनाई गई है और हर दिन एक मजिस्ट्रेट नामित किया गया है जो कि इस अतिक्रमण अभियान को लीड करेगा तो उसी के क्रम में आज यातायात तिराहे से अतिक्रमण अभियान चालू किया गया और जो कि यहाँ रोडवेज चौराहे तक आके यह अभियान खत्म हुआ है तो क्योंकि इस अभियान के संबंध में पूर्व में ही जो भी स्टेक होल्डर्स थे जो भी पटरी व्यवसायी थे या जो भी व्यापार मंडल के लोग सबके साथ वार्ता की जा चुकी है तो सभी सहमत थे कि जो अतिक्रमण उसको हटवाया जाए और जो हमारी मेन रोड है वो कैरेज वे उसको पूरी तरह से खाली रखा जाए तो उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है और जिन भी लोगों को हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं या जिसको भी यहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है उनके लिए हम लोगों ने स्थल चिन्हित किए हैं उनको वहाँ पर कारोबार करने के लिए हमने स्थल दिया हुआ है तो वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारा प्रमुख मार्ग है वो पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रहे जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम रूप से चल सके। देखिए रोडवेज के संबंध में कई बार शिकायतें आई है कि कई बसें जो हैं वो बाहर रोड पर खड़ी रहती हैं जिससे अनावश्यक रूप से जाम लगा रहता है तो इसी क्रम में आज वर्कशॉप का निरीक्षण किया गया वहाँ पे स्पेस कितना ये देखा गया है तो इस मामले में आरएम रोडवेज के साथ भी किया गया है और उच्च अधिकारी के समय अवगत कराया जाएगा और ये जो बसें बाहर खड़ी होने की समस्या है इसका जल्दी निजात दिलाया जाएगा इससे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के मामले की विवेचना अब एटीएस को किया गया सुपुर्द। आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए बुधवार को गोरखपुर से लाया गया एटीएस मुख्यालय लखनऊ। देश के कई जगहों पर एटीएस लगातार कर रही है छापेमारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। बांसगांव थाना क्षेत्र में चार दिन से लापता बच्चे का झाड़ियों में मिला शव। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम को। कहा, घटना के खुलासे के लिए एसपी साउथ के नेतृत्व में बनाई गई है तीन टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महानगर के चौराहों का जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा सौंदर्यकरण। ट्रैफिक के संचालन को बनाया जाएगा सुदृढ़। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर के सभी पार्कों का जीडीए के द्वारा किया जा रहा है सुंदरीकरण। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, पार्क को साफ और सुंदर बनाने से पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। गोरखपुर में 15 अप्रैल के बाद किसान भूसा बनाने वाली मशीन का कर सकते हैं उपयोग। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। बुधवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड तिराहे तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, प्रतिदिन एक मजिस्ट्रेट किया गया है नामित जो करेगा इस अतिक्रमण अभियान को लीड। वासंतिक चैत्र नवरात्र के पांचवें दिन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता स्कंद देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती। तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण कर शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीडीए के द्वारा रामगढ़ताल में बनाया जाएगा हैंगिंग रेस्टोरेंट तथा रोपवे। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ राजघाट पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 4 किलो नौसादर, 1 किलोग्राम यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट को महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, खेलो इंडिया अभियान से जुड़कर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तैयार होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वासंतिक चैत्र नवरात्र के अवसर पर बुधवार को पांचवें दिन गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा गर्भगृह तथा मंदिर परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में माता स्कंद देवी का पूजा अर्चना तथा आरती गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने किया। इस अवसर पर कलश पूजा के साथ गणेश पूजन और भगवती पूजन पाठ एवं आरती 11 संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा, श्री पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी आदि ने पूजा सम्पन्न कराया। इसके पूर्व आज प्रातः काल बेला में माता स्कंद देवी का पाठ एवं आरती भी किया गया। प्रातः काल तथा सायंकाल में आरती के तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। माता दुर्गा की आरती में योगी धर्मेंद्रनाथ तथा विनय गौतम उपस्थित रहे। Bye.
पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर बेनीगंज स्थित तो भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 42 वर्षों से राष्ट्र सेवा को समर्पित राष्ट्रीय निष्ठा सिद्धांतों और विचारधारा के बल पर देश में सुशासन देने वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण एवं शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद भी किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों तपस्वी कार्यकर्ताओं का अनुकरणीय दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर उन सभी महानुभाव एवं अथक परिश्रम करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता को नमन करता हूं, जो अपने त्याग समर्पण और निस्वार्थ सेवा से भारतीय जनता पार्टी को इन बुलंदियों तक पहुंचाया है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अंकित मिश्रा, सत्यार्थ मिश्रा, बच्चा पांडे, पद्मा गुप्ता, अनुपमा पांडे सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद की जय, भारत माता की जय, सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों की जय, जिंदाबाद 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 बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आप कल्पना करें सुख का मतलब क्या, किस लक्ष्य उद्देश्य
काम कर रहा है। और इसलिए जब हम अलग अलग उद्देश्य के लिए अपना जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो पार्टी का स्थापना दिवस उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है ये हम सबको ठीक ढंग से समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी की का स्थापना की स्थापना किन लक्ष्यों को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? आखिर 1000 वर्ष की गुलामी के कालखंड के बाद हजारों हजारों नौजवानों ने फांसी के फंदे को चुमा था। पटना से लेकर दिल्ली तक दोनों तरफ इमली के पेड़ थे, दोनों सड़क के किनारे, और कोई भी इमली का पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर लोगों की फांसी न चढ़ी हो, लोग लटकाए न गए हो। 1000 वर्ष की गुलामी के कालखंड में और 1000 वर्ष की गुलामी में भारत का कोई भी नौजवान गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं। उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ था और आजादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बन गई थी। लेकिन जिसका जिनका चित्र हम सब जिनका नारा लगा रहे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत के उद्योग मंत्री बन गए थे। कमेटी हॉल से, एनएक्सी के कमेटी हॉल से जुड़े हुए भारत सरकार के सभी मंत्री और हमारे सांसदगण और सभी प्रदेशों के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी जिला के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी मंडल के कार्यकारिणी के सदस्य और लगभग 15,732 मंडलों से जुड़े हुए हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और लगभग 8 लाख से ज्यादा बूथ पर जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और ये हम सब के लिए सुअवसर है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में अपने जीवन को लगाया है और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से और आप सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आए की ओर से और तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ और मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के छवि को बदलने में भी हम सब लोगों ने पांचवी तिथि में आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना देता। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी,
अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, नरसिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सबके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है, तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौट गई। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची, यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि। इस अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों तपस्वी कार्यकर्ताओं के लिए यह एक बहुत ही अनुकरणीय दिन है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, और आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 बजे सभी मंडलों में इकट्ठा होकर के, सभी जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण किए हैं, और आधे घंटे के लिए हम सब प्रभात फेरी निकालेंगे। प्रभात फेरी निकालने के बाद वापस आकर के फिर 9:45 बजे अपने स्थान पर इकट्ठे हो जाएंगे, और 10 बजे से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर उनका लाइव कार्यक्रम होगा, 1 घंटे का उद्बोधन होगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जहां सभी मंडलों में सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आज सुनेंगे, वहीं हमारे सभी बूथ पर भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यकर्ता के घर इकट्ठे होकर के टेलीविजन पर लाइव कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, और इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को एक उत्साह के तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं।
रामगढ़ ताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैंगिंग रेस्टोरेंट तथा रोप वे बनेगा, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि रामगढ़ ताल गोरखपुर के दिल में बसा हुआ है तथा रामगढ़ ताल पर्यटन केंद्र के रूप में उभर कर आ चुका है, जहां पर प्रतिदिन लोग हजारों की संख्या में घूमने जाते हैं, जिसमें ज्यादातर युवा वर्ग के लोग शामिल हैं, जिसको देखते हुए रामगढ़ ताल में बोटिंग का समय रात में 11 बजे तक कर दिया गया है, जिससे यूथ वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। और हमारा प्रयास है कि डिनर क्रूज शिप की व्यवस्था की जाए कि रात में डिनर कोई व्यक्ति करना चाहे तो क्रूज शिप पर जाकर करेगा। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि लोग रोपवे के माध्यम से दोनों साइड से रामगढ़ ताल का भ्रमण कर पाएं और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को भी चालू करने का जीडीए के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इधर उधर पानी में घूमता रहेगा, अगले एक सालों में इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, जैसा कि हम लोग को पता है कि रामगढ़ ताल हमारे गोरखपुर जनपद के दिल में बसा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा पर्यटन केंद्र के रूप में उभर के ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, खासकर यूथ बहुत आता है। तो ये सब को देखते हुए कई चीज़ें रामगढ़ ताल में की जा रही हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने जो बोटिंग का टाइम है रात में 11 बजे कर दिया है, ताकि यूथ जो होता है जनरली थोड़ा सा लेट नाइट निकलता है, वो बोटिंग का आनंद ले सके। इसी तरह से जो है हम लोग का ये प्रयास है कि यहाँ पे डिनर क्रूज़ की भी व्यवस्था रहे, ताकि रात में क्रूज़ पे अगर कोई रेस्टोरेंट का यूज़ करना चाहे तो उसका कर लेगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में रोपवे के माध्यम से लोग रामगढ़ ताल का भ्रमण कर पाएँ, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और इसके अलावा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी प्रयास चल रहा है कि परमानेंटली ही उस पर रेस्टोरेंट बन जाए जो फ्लोट करता रहे। तो ऐसी कई चीज़ें आ रही हैं और हम प्रयास है कि अगले एक साल में सारी चीजें आ जाएं और लोगों को इससे फायदा मिले। राजघाट पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को चक्रा दोयम अमरुदबाग से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 300 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1 किलोग्राम यूरिया एवं 4 किलोग्राम नौशादन, 5 एल्युमिनियम का भदेला, शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ है, जिसकी पहचान बाबू राम पुत्र ब्रजभार निवासी कठौर थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर, दूसरा राम मिलन पुत्र शिवनाथ निवासी बलुई गाड़ा थाना बेलीपार गोरखपुर के रूप में हुई है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्र, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कुंदन कुमार, विनोद कुमार, रवि कुमार शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनको बुधवार को नगर निगम के महापौर कार्यालय में महापौर द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है। इसके तहत हर ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं कि भारत से प्रतिभा
प्रतिभागी निकले और अपने देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि भारत को खेल जगत में नंबर वन बनाने के लिए भारत सरकार उपाय कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार होंगे और विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, DO महाराजगंज सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, साल भी लगा दो, माला ऊपर कर देना है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट, ओलंपियन सर, एक्स आर्मी ऑनरी कैप्टन रिटायर। मैं आज गोरखपुर में आया था अपने खेलो इंडिया स्कीम को तहत। मुझे यहाँ पर नियुक्ति थी मिली थी की गई थी ताकि मैं यहाँ पर अपना खेलो इंडिया के तहत से मैं देख का अपनी कार्रवाई देख सकूँ। और अचानक से बीच में कुछ प्रोग्राम ऐसा हुआ जो महापौर द्वारा सरकार द्वारा मुझे यहाँ पर खेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस में मुझे सम्मानित किया गया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और अपने खिलाड़ी को आगे आने वाले भविष्य में भी उनको भी ये चीज़ें ऐसे ही मिलते रहें तो उनको भी आगे प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा काम करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा हमारे जो भी हैं अपना स्तर में उनको आज की डेट में हमारे टाइम से और आज की डेट टाइम के हिसाब से काफ़ी फैसिलिटीज मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे भविष्य में अपना खेल में रुझान और प्रति अच्छा प्रैक्टिस करें, अपनी ट्रेनिंग करें, अपने कोच के प्रति अच्छा लगाव रखें और अपना कंटिन्यूटी प्रैक्टिस बनाते हुए आगे के लिए उन्नति करें और ओलंपिक तक मेडल लें। आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। हम सभी कार्यकर्ता स्थापना दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को भी मना रहे हैं। हम लोगों के बीच एक ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट 1992 में ओलंपिक भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आज बड़ा ही मुझे हर्ष हो रहा है कि आज हम इनको नगर निगम परिसर में सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सम्मान देने के लिए हम लोगों के धीरज सिंह हरीश उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हैं गणेश कुमार, साथ ही साथ ऋषि मोहन वर्मा उपसभापति और सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी। मुझे अति प्रसन्नता है कि भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पूरे देश में खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है। इसके तहत हर ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं कि भारत से अच्छी प्रतिभा निकले और अपने देश के साथ साथ और भी बाहर के में ओलंपिक में अपना स्थान करें। हमने देखा कि इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और सिल्वर पदक, ये बहुत ही बड़ी संख्या में पहली बार उन लोगों को मिला था। और इसी को भारत को नंबर एक खेल जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए भारत सरकार ये सब उपाय कर रही है। हमें उम्मीद है योगी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार होंगे और विश्व में अपनी एक
पहचान बनाया गया। इसी के तहत आज गणेश कुमार राजेश कुमार बिष्ट को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। 1992 में इन्होंने देश का नेतृत्व ओलंपिक में किया था और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के मामले की विवेचना अब एटीएस को किया गया सुपुर्द। आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए बुधवार को गोरखपुर से लाया गया एटीएस मुख्यालय लखनऊ। देश के कई जगहों पर एटीएस लगातार कर रही है छापेमारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। बांसगांव थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता बच्चे का झाड़ियों में मिला शव। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम को। कहा, घटना के खुलासे के लिए एसपी साउथ के नेतृत्व में बनाई गई है 3 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महानगर के चौराहों का जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा सौंदर्यकरण। ट्रैफिक के संचालन को बनाया जाएगा सुदृढ़। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर के सभी पार्कों का जीडीए के द्वारा किया जा रहा है सुंदरीकरण। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, पार्क को साफ और सुंदर बनाने से पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। गोरखपुर में 15 अप्रैल के बाद किसान भूसा बनाने वाली मशीन का कर सकते हैं उपयोग। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। बुधवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड तिराहे तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, प्रतिदिन एक मजिस्ट्रेट किया गया है नामित जो करेगा इस अतिक्रमण अभियान को लीड। वासंतिक चैत्र नवरात्र के 5वें दिन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता स्कंद देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती। तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण कर शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीडीए के द्वारा रामगढ़ताल में बनाया जाएगा हैंगिंग रेस्टोरेंट तथा रोपवे। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ राजघाट पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 4 किलो नौसादर, 1 किलोग्राम यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट को महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, खेलो इंडिया अभियान से जुड़कर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तैयार होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।